भाई बहुत गंदा सीन है यहाँ पर, रोड ब्लॉक पड़ी है। पैदल तो जा सकते हैं लेकिन बाइक नहीं जा सकती इसके आगे। ये पूरा लैंडस्लाइड करके यहाँ पर, देखो लैंडस्लाइड्स। वी आर ऑफिशियली लॉस्ट, वी डोंट नो वेयर टू गो। हमें कोई पाथवे नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। हमने बेसिकली सबसे बड़ी जो गलती की वो ये थी कि हम पानी की बॉटल साथ में नहीं लेके आए। पानी नहीं है तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्यों बिना पानी के तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें वापस जाना ही पड़ेगा। ब्यूटीफुल फ्लावर विद द वैली व्यू, वाओ, वेलकम टू नाग टिब्बा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी राइड का फोर्थ डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज हम जाने वाले हैं नाग टिब्बा का ट्रैक करने। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे द्वार से निकल के देहरादून मसूरी होते हुए नैनबाग पहुंचे थे। नैनबाग में हम सुमन क्यारी जगह पर रुके और आज हम यहां से निकल के जाने वाले हैं नाग टिब्बा का ट्रैक करने। चलो ओम नमः शिवाय, बढ़ते हैं आगे। नैनबाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर पंतवाड़ी विलेज जो कि नैनबाग ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ट्रैक मैं कर रहा हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एडवेंचर ना हो। तो हमारे होम स्टे से निकल के गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम पहुँचे पंतवाड़ी, बट एक ट्विस्ट के साथ में, क्योंकि जो डिस्टेंस सिर्फ 17 किलोमीटर की होनी थी वो थैंक्स टू गूगल मैप हमने 37 किलोमीटर में कम्प्लीट की है, जिसमें कि हम एक पूरा पहाड़ चढ़े, फिर उतरे, फिर दूसरे पहाड़ पर आए जो कि हम नैनबाग से सीधे जा सकते थे। क्योंकि जब आप पंतवाड़ी के लिए जाते हो नैनबाग से तो आपको मार्केट के सेंटर से एक रोड कट हुई है लेफ्ट में, वो सीधा लेके जाते हैं पंतवाड़ी, लेकिन हमारे गोल बाबा ने हमें घुमा के एक दूसरे पहाड़ पे ही चढ़ा दिया। Look at this beautiful bike, कितना ही खेत और ये पूरा, मुझे लगता है ये है पंतवाड़ी। रोड हमारा ख़त्म हो चुका है, हमारे पास में अब जो है केवल और केवल ऐसे पथरीला टूटा फूटा जो है कच्चा वो है रोड, बस दैट्स इट। फुल ऑफ रोड है भाई, फुल ऑफ रोड। एयर प्रेशर से ये जो है पंतवाड़ी विलेज से लगभग हम 500 मीटर से पहले ये वाला एक कच्चा रोड आपको दिखेगा, वहाँ पर ये बोर्ड मिलेगा द गोट विलेज ऑफ रोड। ये ऑफ रोड ड्राइव होगी हमारी लगभग 9 किलोमीटर की, एंड उसके बाद में हमारे पास में जो ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रह जाएगा। और ये पहले मैं सोच रहा था अपनी बाइक लेकर के आने का, बट दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन कि भाई अपनी बाइक लेकर के नहीं आया मैं, तो कैसे ही चलती चली नहीं पाती। बट हाँ, ये आपके पास एक और ऑप्शन होता कि आप जो है अपनी वाहन नीचे खड़े कर दो और उसके बाद आप पैदल का ट्रैक कर लो, बट उससे जो है आपका ट्रैक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरीके से हम अगर ऑफ रोड करके हम अपनी बाइक ऊपर तक, ओ फक, हमें पंतवाड़ी से चलते हुए हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर हो गए हैं उसके ऊपर। ये बेसिकली पंतवाड़ी से जो है ट्रैक प्रॉपर स्टार्ट होता है, बट हमारे पास में एक और सुविधा है कि आप अगर बाइक से आते हो तो उससे फिर आप ऊपर तक आ सकते हो। लगभग 9 किलोमीटर आपको ऊपर आओगे बाइक से, जो आपका मतलब ऐसा रोड मिल जाएगा, बट उसके बाद में 2-3 किलोमीटर का जो आपका ट्रैक बचेगा वो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा। सो टेक्निकली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है पंतवाड़ी से। तो अगर आप बाइक लेके आने की अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो आपके पास में एटलीस्ट ऐसी बाइक होनी चाहिए एडवेंचर टाइप की जो इन जगहों के लिए बनी हो।
कोई प्रॉपर रोड नहीं है, केवल बस ऐसा ही है। और इस तरीके जो शार्प बैंड्स हैं ना, ये कुछ कुछ ऐसे भी बैंड्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर मैं उतरा हूँ और तब बाइक चढ़ पाई। और शार्प बैंड्स प्लस स्टीप बहुत ज़्यादा है। गोड प्लेस 2 किलोमीटर अभी बाकी है भाई, वो जो नीचे 9 किलोमीटर का दिखा रहा है, तो हमने अभी तक 7 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किए हैं। ये पूरा का पूरा ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, इसके ऊपर हम बस बाइक लेकर के आ रहे हैं। तो सोचो अगर हम पैदल कर रहे होते तो आउच, तो हम आज ऑब्वियसली हम नीचे नहीं आ पाते। उतर जाओ। ओके चलो जी, बहुत स्टीप है। इस तरीके से कई सारे हमारे पास में पैचेस आए हैं जहाँ पर मुझे उतरना पड़ा है। भाई बहुत गंदा सीन है, ओहो हर 50 मीटर पर मुझे उतरना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर भाई हालत ख़राब करने वाला 2 किलोमीटर है। चलो जी यहाँ पर रोड ब्लॉक पड़ी है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पत्थरों को डाल के बनाया गया, शायद ये रास्ता टूट गया होगा। पैदल तो जा सकते हैं लेकिन बाइक नहीं जा सकती इसके आगे। मुझे लगता है बाइक को यहीं खड़ी कर देना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। देख रहे हो कैसा रोड है भाई, और खाई देख रहे हो, अगर यहाँ से आपको आइडिया है बहुत गहरी खाई है। और यहाँ पर बाइक हम कैसे कैसे वहाँ तक तो ले आए, पूरा पत्थर काट के। ये देखो यहाँ पर काम चल रहा है, हम आगे लेके नहीं जा सकते थे। ये पूरा लैंडस्लाइड करके यहाँ पर पूरा काट काट के यहाँ पर रोड वो जगह बनाई जा रही है। देखो लैंडस्लाइड पूरा जगह बनाई जा रही है ट्रैक के। अच्छा यही रास्ता था, पोल पे जाएंगे वहाँ से फिर पहले तरफ से ऐसा ही लगेगा। अच्छा और फिर दूसरी बेंड पे जाए तब सड़क ही सड़क है, बस फिर सड़क है। बाकी बाइक हमारी उधर खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, अब जा सकते हो आप। अच्छा तो हेलमेट अगर आपके पास यहीं रख दें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 5-6 बजे तक हम यहीं है। अच्छा तब तक आ जाओ यहाँ से, कोई भी नहीं है आज, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पूरा खाली है। करके जा रखे दो दो चार इधर, कल वो आगे नीचे भाई, ऊपर कोई भी नहीं है। तो भाई यहाँ से शुरू हो रहा अपना एडवेंचर। अब यहाँ से इस रास्ते से हमें होते हुए जाना है ऊपर उस पोल तक, और वहाँ पोल के आगे फिर एक रोड मिलेगी, उस रोड को फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। और अभी जैसे ये भाई ऊपर से आए हैं, कह रहे नाक टिब्बा जो है ऊपर सारी दुकानें बंद हैं, ऊपर कोई भी नहीं है, हम दो केवल अकेले ही होंगे पूरे ट्रैक में, ऊपर कोई भी नहीं है। सैटरडे संडे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। हाँ ये हर जगह मेरे को दिखे, ब्यूटीफुल फ्लावर विद द वैली व्यू, वाओ, वेलकम टू नाग टिब्बा। हाँ 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 चलो यहीं आगे से ही चलना पड़ेगा। हाँ लेट्स गो। बाप रे, एक तो पता है ये नया नया इन्होंने जो पत्थर काटे हैं, बिल्कुल रास्ता नहीं है, जो मेन रोड था वो बंद है उसकी वजह से। ओह अच्छा यहाँ पे आकर के हमें मिला है ना रास्ता। हाँ रास्ता मिल गया हमें, जो रास्ता ये जो नीचे पुलिया से जो हम छोड़ के आए थे ऊपर इधर डायरेक्टली आए हैं, वो वाला रास्ता इधर ऐसा घूमता हुआ अच्छा, आता है, और वो अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमें यहाँ से आगे चलना है। दुकानें वगैरह सब बंद है भाई, ललन मैगी वाले भी हमें देखो छोड़ के चले गए नीचे, और दुकान है वो भी बंद है। हमने बेसिकली सबसे बड़ी जो गलती की वो ये थी कि हम पानी की बॉटल साथ में नहीं लेके आए। ठीक है नेक्स्ट टाइम तो आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आ रहे हो ट्रैक वगैरह के लिए तो पानी की बॉटल जरूर साथ में रखो। हमारे साथ ना यार सीन हो रहा है, रोड क्या रोड जो है पूरा पहाड़ होकर चक्कर काट के वो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने कुछ कुछ पाथ से जो लोकल और लोकल लोग जो यूज़ करते हैं या फिर वो अपने खच्चर को
नीचे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बोले शॉर्टकट से ले रहे हैं, अब हम आकर के हम खेत में फंस गए हैं। ये एक खेत है, यहाँ पे एक खेत है, बट ये वाइट वाले यार फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वही चीज़ है ना, जहाँ पे कुछ ना दिखाई दे वहीं पे तो देखना पड़ता है कि कुछ दिखाई दे जाए। वाह भाई क्या प्यारा लग रहा है यार, पूरे फूल ही फूल। नाइस मैन, हमें जाना है वहाँ। इधर से सीधे ना चल गए, वहाँ से चल सकते हैं वो वाले से। वी आर ऑफिशियली लॉस्ट, वी डोंट नो वेयर टू गो। हमें कोई पाथवे नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम पहुँच तो गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था, ये रही वो वाली कुटिया जहाँ पे हमें पहुँचना था। बट अभी का सीन कुछ इस तरीके आया है कि हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक भी इंसान क्या जानवर तक नहीं, यहाँ पे केवल वही कीड़े मकोड़े पौधे वो पक्षी और पौधे हैं, दैट्स इट। इस ट्रैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यही है कि यहाँ कहीं पर भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। पंतवाड़ी से हम नीचे से चल के आए, रोड पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी और उसके अंदर एक भी मार्किंग नहीं थी। वो तो हमें इत्तेफाक से रास्ते में हमें एक आधे लोग मिल गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि अगर कोई बिना गाइड के आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ वाली चीज़ हो सकती है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच से पगडंडियाँ बनी हुई जिसकी वजह से लोग भटक जाते हैं, जैसे कि हम लोगों के साथ अभी हुआ। तो मुझे लगता है कि लोकल लोगों के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एटलीस्ट साइन बोर्ड यहाँ पर होने चाहिए, ताकि जो रैंडम लोग आ रहे हैं विदाउट गाइड हमारे जैसे, वो आसानी से अपने ट्रैक को कंप्लीट कर सके, कम से कम बेस कैंप तक पहुंच सके। बाकी सब बढ़िया है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ की। पानी नहीं है तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिना पानी के तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें वापस जाना ही पड़ेगा। चलते चलते भाई देखो मानव बस्ती दिखी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर झोपड़ी हैं, कुछ घर हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें लग रहा था हम खो गए। वहाँ से हल्का सा आगे आए तो हम इधर कहीं ऐसी जगह पर आए, ये मड हाउसेस आपको दिख रहे होंगे, ये रिजॉर्ट टाइप का लग रहा है। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही है चीज़ वो ये नहीं है कि वेल मेंटेन्ड इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, हमारे लिए जो मैटर कर रही है कि भाई कुछ इंसान दिखेंगे। बुग्याल से निकलने के बाद में हमें बीच में कुछ एक आध झोपड़ी या एक आध घर टाइप के जहाँ पे हमें मिले थे, जहाँ पे हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने हमें आगे का रास्ता दिखाया और आगे का रास्ता नापते हुए हम यहाँ पर आ गए। ये एक रिजॉर्ट है, यहाँ से अब हम आगे निकलेंगे। बट दिक्कत वाली चीज़ ये है कि यहाँ के आगे भी मार्किंग कहीं भी नहीं है। पीछे भैया एक थे, बोले थे कि मार्किंग है, बट हमें कहीं भी मार्किंग मिली नहीं है। और ये सबसे बड़ी कंसर्न वाली चीज़ है कि इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, नाग टिब्बा का ट्रैक बहुत फेमस है, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। आपको ऐसे पगडंडी वगैरह ढूंढते हुए या फिर आपको गाइड वगैरह लेकर के आपको जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो भैया हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको गाइड लेके ही जाना पड़ेगा, बिना गाइड के अगर आप जाओगे तो वही वाली चीज़ है कि खो जाओगे या फिर पहुँचोगे तो काफ़ी देर से पहुँचोगे, जैसे कि हमारे साथ में हो रखा है। अभी हमारे साथ टाइम हो रहा है भैया 11:30 हो रहे हैं सुबह के, अभी मेन गेट पे भी नहीं पहुँचे। मेन गेट पे जब हम पहुँचेंगे तो उस गेट से हमें आगे 5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करना है टेंपल के लिए, और उसके बाद में एक स्टीप पीक आता है जहाँ से हमारा जाएगा 1 किलोमीटर का, वो समिट के लिए जाता है बेसिकली। के लिए हम देख रहे हैं कि कोई गाइड मिल जाए यहाँ पर, बस यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर केवल एक ये भैया हैं, एक और थे, दैट्स इट, गाइड नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार हमें थोड़ा सा एक बार डिटेल थोड़ा सा बता देते कि किस तरीके से जाएं ताकि हम खो ना जाएंगे रास्ते में। एक तो जंगल है, जंगल में तो जाएंगे बस, खोना नहीं है, पहुंच पाता है बस, कोई कोई पहुंच पाता है बस। ये क्या मजे ले रहे हो, मजा नहीं कर रहा हूँ। जब भटक जाते हैं ना बहुत दिक्कत होती है भाई जी, हमारे खुद अपने गेस्ट भटक जाते हैं। आपका गाइड कब आएगा? चलो जी, इट्स 12 PM, हमारा खाना आ गया है। हमने सोचा कि पहले यार कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे। थोड़ा पेट में खाना जाएगा तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा कि करना क्या है, कि आगे चलना है या फिर यहीं पर स्टे करके कल करना है सुबह में, भैया के जो गाइड वगैरह आएंगे उन लोगों के साथ में। और बेस कैंप पहुँचने के बाद हमें पता चला कि इस ट्रैक को करने के लिए गाइड कंपलसरी है, और हम बिना बुकिंग करे नाग टिब्बा ट्रैक के बेस कैंप तक पहुंच गए। तो हमें उन गाइड भाई साहब का इंतजार इसी कैंप साइट में करना पड़ा, जो हमारे पीछे एक ग्रुप को साथ लेकर शाम तक यहां पहुंचने वाले थे। तो जाहिर सी बात है ट्रैक आज तो नहीं हो सकता। तो अगर आप नाग टिब्बा ट्रैक करना चाहते हैं तो इस तरह का भी एक प्रोसेस होता है, आप फ़ोन पे बुकिंग कर सकते हैं। पंतवाड़ी से एक खच्चर आते हैं नीचे से, आपका बैग वगैरह सामान लेकर यहाँ तक आ जाएंगे, आपको आराम से सिर्फ ट्रैक करके आना है। यहाँ पर आने के बाद हमने अपना एक टेंट ले लिया और हम दो लोग उसमें रुकेंगे, दो बेड लगे हुए, दो लोगों के लिए हमने 2,000 रुपये दिए हैं, इसमें मील भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप पंतवाड़ी से नीचे से अगर ऊपर आते तो उसमें आपका पोर्टल का खर्चा और नीचे से सामान वगैरह लाने का खर्चा सब इंक्लूडेड होता है, मील भी इंक्लूड होती है। ट्रैक कराएंगे और वापस वहीं पे ले जाके छोड़ेंगे आपके सामान के साथ, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसका 1,800 रुपये इनका पैकेज होता है एक आदमी का।
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार नाग टिब्बा पैदल मार्ग, यानी कि यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। सुबह हम 3:30 बजे ट्रैक शुरू करेंगे तो उसमें बिल्कुल अंधेरा होगा, तो आपको यहाँ के विजुअल्स बिल्कुल दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी आ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये मेन एंट्रेंस है नाग टिब्बा ट्रैक का। पहले तो हमारा यही प्लान था कि हम अकेले जाएंगे यहाँ पर ट्रैक करते हुए, लेकिन आसपास जो भी लोग थे सबने यही सजेस्ट किया कि गाइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घना जंगल है अंदर, तो रास्ता तो पक्का भटक जाओगे आप। तो जहाँ पर आपको 3-4 घंटे लगने हैं वहाँ हो सकता है 6-7 घंटे लग जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो प्लान में अपना कुछ चेंज है। सो सीन कुछ ऐसा है कि यार हम कल रात को, मतलब मॉर्निंग में रात को 3 बजे के आसपास हम जो है ट्रैक स्टार्ट करेंगे एंड सनराइज देखेंगे जाकर के नाग टिब्बा के हम समिट से। दिन में जहाँ पर हमारे पास में एक इंसान देखने को नहीं मिल रहा था हमें, अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं भाई, बेसिकली हमारी टाइमिंग खराब थी। 6:15 हो गया, ये हमारा व्यू है इधर का, और ये हमारे पास में आ गई है पकौड़ियाँ, आलू की पकौड़ियाँ हैं और चाय है, तो चलो क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ हैं, खा के देखते हैं कि कैसी लग रही है। क्रंची तो नहीं, वो आवाज़ भी आ रही है, तो भाई अभी ऐसा है। मैं खाता खाता लिख रहा हूँ, काफ़ी सही है सीन अपना, पकौड़ी खाओ चाय पियो और धीरे धीरे ना हवा चल रही है, और हवा जो है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, सनसेट हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अब लग रही है ठंडा ठंडा सा।